नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं उमेश भारद्वाज और स्वागत है आप सभी का आज के मैथमेटिकल सेक्शन में, जहां हम कवर कर रहे हैं टीएन की मैथमेटिक्स बुक का सॉल्यूशन। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिक्स्थ ए चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। इस बुक से हम काफ़ी चैप्टर्स कवर कर चुके हैं दोस्तों, सिर्फ 3 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं अभी। ओके, वो भी जल्दी से कवर कर लेंगे। टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है और एज का चैप्टर है। ठीक है, सर्ड एंटिथेसिस भी है और वो भी हम जल्दी से साथ के साथ कवर करेंगे। सिक्स्थ बी हम आज करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। सिक्स्थ ए ऑलरेडी आपको मिल चुका है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं चैनल में। ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो इसी वीडियो के ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 96, 528 तथा 792 को विभाजित करती है। अब यहाँ पर जैसे ही आपने देखा कि बड़ी से बड़ी संख्या, ओके, और आपके पास डेफिनेशन क्या होती है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब बात कर रहा है यहाँ पे बड़ी किस संख्या की, इसका मतलब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका निकालना होगा। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या कहते हैं। मैं सबसे पहले आपके बेसिक सॉल्यूशंस को ही लेकर चलूँगा जो आपने खुद सीखा होगा, ताकि आपको थोड़ा सा फेमिलियर लगे। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या निकालना है, एच सी एफ हमें निकालना है। सो मैं कह सकता हूँ कि वी हैव टू फाइंड द एच सी एफ ऑफ कितने नंबर थे, 96, 528 एंड 792। ठीक है, हमें इन्हीं तीनों नंबर का एच सी एफ निकालना होगा, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। चलिए, किस तरीके से निकालना सिखा है हमने एच सी एफ, कि 96, 528 एंड 792 को हम सीधे सीधे कुछ ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा साथ साथ। ये आपका पेट है, सो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। 48 दूनी 96, 264 दूनी 528 और 396 दूनी 792। ये हमने 2 से कट किया है डायरेक्ट, सभी को आता होगा, बेसिक है बहुत। ये आएगा 24, यहाँ से हमें मिलेगा 132 एंड यहाँ से क्या मिलेगा, 198। ओके, देन हम फिर से एक बार 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से हमने डिवाइड किया, 12 हमें मिलेगा, देन हमें मिलेगा 2 6 12 और 2 6 12 66 हमें मिलेगा, देन हमें मिलेगा 99। अब आप देख पा रहे होंगे कि बाकी ये जो तीनों नंबर्स हैं वो 3 का मल्टीपल है। सो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 22 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 हमें मिला। अब आप देख पा रहे होंगे कि हम फर्दर इनको क्लासिफाई किस तरीके से कर सकते हैं। ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी डिवीज़न आएगा वो 2 और 3 की वैल्यूज़ में आएगा। ध्यान देने की बात है, जब यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, मैं आपको कर कर भी बता देता हूँ कि जैसे ही हमने इसे 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 11 यहाँ से मिलेगा, 33 हमें एज इट इज़ मिला। लेकिन दोस्तों हमें एच सी एफ निकालना है, ध्यान दीजिएगा, हमें एच सी एफ निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। ये 2 और 3 यहाँ पर रिपीट होते चले जाएंगे। अगर 2 और 3 यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब हम सिर्फ 2, 2, 2 एंड 3 ही से लेकर चलेंगे। ओके, एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ बराबर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। ठीक है जी, हमारा जो एच सी एफ होगा वो होगा 24 और यही आपका आंसर होगा, आप ऑप्शंस देख सकते हैं। चलिए मैं इसका एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीका है अगर आप समझ पाएँ तो। ठीक है, कि एच सी एफ एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास जो नंबर है, मैं और लगाता हूँ और सेकंड मेथड बताता हूँ एच सी एफ निकालने का। हमारे पास 3 नंबर है, 96, 528 एंड 792। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, हम इनका डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, डिफरेंस, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। हमने लिया डिफरेंस कितना आएगा,
528 में से 96 गए, कितना डिफरेंस बचता है? 432। 528 और 792 है, कितना डिफरेंस होगा? 264। आप देख पा रहे हैं ये एक बार फिर से बड़े नंबर हमें मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। इनका हमने डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या मिलेगा? दोनों का डिफरेंस हमें क्या मिलेगा? 432, 264, 42, सॉरी 12, 4, 8, यानी कि 168 इसका डिफरेंस हमें मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास एक नंबर आ गया। अब हमारे पास कोई और नंबर तो नहीं बचे कि हम डिफरेंस ले पाएंगे। सो हम क्या करेंगे कि लास्ट में ये जो नंबर आया, हम देख लेते हैं अपने ऑप्शंस में से कि इसका ग्रेटेस्ट मल्टीपल या ऐसा कौन सा हम हमारे पास बड़े बड़ा नंबर है जिससे 168 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है मेरे पास नंबर 168। ठीक है, ऑप्शन मेरे पास है 12, 16, 36। आप देखेंगे कि 16 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 16 से तो डिवाइड होगा नहीं 168। ठीक है, 16 एकम 16, 8 बच जाएगा, 12 से हो जाएगा, 12 एकम 12 और 12 चौक 48, यानी कि 12 × 14 168। लेकिन हमें बताना है HCF, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर 12 से हो रहा है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो 24 है, 24 भी 12 का ही मल्टीपल है। सो एक बार देख लेते हैं, क्या 24 से भी होगा? बिल्कुल हो जाएगा जी। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 से हो रहा है तो 14 पे जा रहा है, 24 से होगा तो 7 पर चला जाएगा, यानी कि 24 × 7 अगर हम करेंगे 168 हमें मिलेगा, यानी कि ये हाईएस्ट हो गया। 12 से तो बड़ा है ना, इसका मतलब ये हाईएस्ट हो गया। अब आप कहेंगे कि जी 36 भी तो मल्टीपल है, लेकिन दोस्तों आप देख रहे होंगे 36 मल्टीपल बेशक है, लेकिन ये इससे 36 से कम्प्लीट डिवाइड नहीं होगा। ओके, किस तरीके से देख पाएंगे? कुछ ऐसे कि भैया आप 12 × 3 करके लिखिए, 12 से तो गया 14 पर, लेकिन जो 14 बचा वो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। कुछ इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 168 है, इसे आप 36 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 12 × 36 से करना चाहेंगे, और जब आप करेंगे तो 12 से ये 14 पर तो चला जाएगा, लेकिन 14 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, 14 नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, सो ये इसका मल्टीपल नहीं होगा। लेकिन जब आप 24 से करेंगे, 168/24 जब आप करेंगे, सो ये 7 पर चला जाएगा। इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 24, और यही आपका आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ पाए होंगे कि मैंने किस तरीके से ये सेकंड प्रोसेस आपको बताया है और आप सीख पाए होंगे। ठीक है, आप इसी तरीके से एग्ज़ाम में किया कीजिए, आपका टाइम सेव होगा और इजीली कर सकते हैं, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 728 तथा 900 को भाग देने पर क्रमशः 8 तथा 4 शेष बचता है। दोस्तों क्वेश्चन आपने देखा, मैंने बोला, आपने सुना, ठीक है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर एक ऐसी संख्या जिस संख्या से मैं 728 को अगर डिवाइड करता हूँ, भाग देता हूँ, सो हमें शेषफल क्या मिलता है? 8। और अगर उसी संख्या से मैं 900 को डिवाइड करता हूँ, भाग देता हूँ, सो हमें शेषफल क्या मिलता है? 4। क्वेश्चन में दोस्तों ये कह रहा है, मैं बताऊँ आपको, कि अगर 728 को भाग देता हूँ तो 8 बचता है, शेषफल 8 बचता है, यानी कि अगर मैं 728 में से 8 माइनस कर दूँ, यानी कि 720 हमें मिलेगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि 720 जो है उस संख्या से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा? मानते हैं बात, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि 720 अगर उस संख्या से कम्प्लीटली डिविजिबल है और हमारे पास संख्या है 728, सो यहाँ से हमें 8 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, बात समझिएगा। देन सेकेंडली बोल रहा है कि भैया एक उसी संख्या से अगर मैं 900 को डिवाइड करूँ, सो मेरे पास शेषफल बचता है 4। इसका मतलब अगर ये 4 एक्स्ट्रा ना हो, नंबर इसका मतलब कितना होना चाहिए? 896। 896 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा उसी नंबर से, मानते हैं बात। अब हमारे पास 720 और 896 दो नंबर आ गए और हमें इनका HCF बताना है। क्या बताना है हमें? HCF। और HCF मैंने आपको सिखाया कैसे बताते हैं, इनका डिफरेंस मैं ले लेता हूँ और फिर ऑप्शन से चला जाऊँगा क्या जाता है। अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? 176, 176 हमें मिलेगा। देख लीजिए,
छः में से 0 गई 6, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 1 गया 1, 176 हमें डिफरेंस मिला। अब यहाँ पर एक नंबर है, मैं डिफरेंस तो नहीं ले सकता, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन से चला जाऊँगा। किस तरीके से, ये देखिए ऑप्शन हमारे पास है 12, 16, 24 और 36, और आप देख पा रहे होंगे कि ये 17 है यहाँ पे, ये 176 है। सो 16 एकम 16 और 16 एकम 16, यानी कि ये 16 × 16 पर चला जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ये कैसे जाएगा, 176, 16 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ सो हमें क्या मिलेगा, 16 एकम 16, 16 एकम 16, यानी कि ये 111 पे चला जाएगा, 16 पे नहीं 11 पे चला जाएगा, ठीक है। वो मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। 16 × 11, 16 × 11 हमें क्या देता है, 176। इसका मतलब आपको पता चल गया कि भैया 16 हमारा आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे कि भैया और को क्यों नहीं हो सकते बाकी ऑप्शंस, आप देख लीजिए 12 से आप कट करेंगे, 12 एकम 12, आपको 56 रिमाइंडर मिलेगा, मतलब 56 आपको मिलेगा, 56 12 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, और बाकी 24 और 36 हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 12 × 24, 12 × 36, जब वो 12 से ही नहीं कट रहा तो उसके मल्टीपल से क्या कटेगा। आई बात समझ में, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और ये चीज़ें आपको सीखनी होंगी पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए। 16 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये है सॉल्यूशन आपके सामने, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आंसर मैं लिख देता हूँ, HCF इज इक्वल टू 16, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर वह 36, 48, 21 तथा 21 से विभाजित हो जाए। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि अगर मैं उस नंबर को 36, 48, 21 या फिर 28 इनसे डिवाइड करता हूँ, सो उस नंबर में से का उस नंबर का 5 कम, यानी कि जो नंबर हमें गेट होगा उसका 5 कम कंप्लीटली डिविजिबल होगा इन सभी नंबर से। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या मतलब लीस्ट नंबर, और लीस्ट का मतलब क्या होता है, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दी LCM ऑफ कितना कितना, 36, 48, 36, 48, 21 एंड 28। हमें इन नंबर्स का LCM निकालना होगा, ठीक है। 36, 48, 21 और 28 का LCM हमें सबसे पहले चाहिएगा, उसके बाद आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। कैसे निकालते हैं LCM, दो तरीके। एक तो पहला आपका कन्वेंशनल तरीका मैं बताता हूँ, और फिर मैं अपनी ट्रिक बताता हूँ कि किस तरीके से निकाल, और उनसे खूबसूरत ट्रिक नहीं हो सकती है, यकीन कीजिए। आप जिस तरीके से मैंने अभी अभी आपको HCF बताया ना, LCM भी कुछ उसी तरीके से आप कुछ विद इन सेकेंड्स से निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे निकालते हो, आपने ये सभी नंबर्स लिखे, देन इनको आप डिवाइड करते चलते हो सबसे छोटी संख्या से। सबसे छोटी संख्या बोले तो, कि आपने देखा कि सभी 3 के मल्टीपल हैं, आपने 3 से डिवाइड कर दिया, 12 तिया 36, ठीक है, 16 तिया 48, 7 तिया 21 और 28 एज इट इज़ लिख दिया, कर नहीं कटता है तो। देन फिर से आपने देखा कि भैया आप 2 से कर देते हैं, 2 6 12, 2 8 16, 7 एज इट इज़ रह जाएगा, और ये 14 पर कट हो जाएगा। देन फिर एक बार आपने डिवाइड किया 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 7 एज इट इज़ रहेगा, और ये 7 पर चला जाएगा। देन एक बार फर्दर हम कट करते हैं, या फिर इसे डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। चलिए पहले मैं एक बार 3 से कर देता हूँ, 3 एकम 3, 4 एज इट इज़ रह गया, 7 एज इट इज़ रह गया, 7 एज इट इज़ रह गया। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि 4 और 7, अब यहाँ पर सिर्फ 4 है, यानी कि 2 × 2 आएगा, और 7 अपने आप में प्राइम नंबर है तो 7 ही रह जाएगा। हम कह सकते हैं कि LCM हमारा क्या आएगा, यहाँ से LCM बराबर होगा 3 × 2 × 2 × 2 × 3 × 4 × 7, 4 × 7, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको नंबर मिलेगा 1008,
ठीक है जी। अब देखिएगा कि ये नंबर एक वो नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, ऊपर वाली संख्या से। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये नंबर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 36, 48, 21 एंड 28। इन सभी संख्या से ये कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि हमें वो नंबर बताना है जिसमें 5 घटाने पर, ठीक है, एक ऐसा नंबर कि उस नंबर में से हम 5 घटाएं और फिर हमें इन नंबर से डिवाइड करें। अगर ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है सो इसका मतलब जो 5 घटाने वाली संख्या होगी वो इससे 5 बड़ी होगी। मैं कह सकता हूँ कि 1008 जमा 5 बराबर 1013 वो संख्या होगी जिसमें से, अगर मैं मान लीजिए 1013 में से मैं 5 माइनस करूँगा तो हमें वो नंबर मिलेगा, यानी कि 1008 मिलेगा, जो कि कंप्लीटली इनसे डिविजिबल होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब आपको 5 ऐड कर देना है, एलसीएम निकाल के 5 को ऐड कर दीजिए। ये नंबर एक बार फिर से ध्यान दीजिए, 1013 जो संख्या आई है वो 1013 वो संख्या है जिसमें से आप अगर 5 माइनस करते हैं तो आपको 1008 मिलेगा, और 1008 ही वो संख्या है जो 36, 48, 21 एंड 28 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1013, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, इसका तो सेकंड मेथड है, एलसीएम निकालने का सेकंड मेथड मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। देखिएगा, बहुत ईजी है, मैं पेज फ्लिप कर देता हूँ। देखिए मेरे पास नंबर कौन कौन से हैं, 36, 48, 21 एंड 28। ठीक है, अब इनका फैक्टर्स तो हमें पता है ना, इनके फैक्टर्स क्या होते हैं। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 चौक 36 होता है। सो मैं कह सकता हूँ कि भैया 3 तिया 9 दुनी 18 दुनी 36। 48 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसके अगर फैक्टर्स करूँ तो 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 तिये 48। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। 21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 गुना 3। ये मैंने प्राइम फैक्टर्स किए हैं सभी के, 7 गुना 3। और 28 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 चौक 28 होता है, तो 7 गुना 2 गुना 2। ऐसे हम लिख सकते हैं इनको, आपके सामने ये प्राइम फैक्टर्स है। अब देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो आप विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मेरे पास 3 है 2 है और 7 है प्राइम फैक्टर्स में। ओके, सबसे ज़्यादा संख्या मैं देखता हूँ, अगर मैं ये दो जो यहाँ पर 4 बार 2 लिखा हुआ है, अगर मैं ये उठा लेता हूँ, सो इन 4 बार 2 में ये वाले 2 भी रिपीट हो गए और ये वाले 2 भी रिपीट हो गए। आई बात ध्यान, हमें ये इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, मैं यहाँ पर 16 लिख देता हूँ। ठीक है, देन मल्टीप्लाई का साइन। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 तिया 9, यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 1 3 है, ये दो एक एक बार जो 3 आए वो इसके अंदर इंक्लूड हो गए। सो मैं लिख देता हूँ 3 तिया 9, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ पर है, 2 मैक्सिमम टाइम यहाँ पर है, हमने ये चीज़ लिख दी। और उसके बाद हमारे पास क्या बचे, 3 कवर हो गए 2 कवर हो गए, अब बचा 7। 7 एक ही बार है और कहीं पर भी नहीं है, मैंने 7 डायरेक्ट लिख दिया। और अब मैं क्या कर सकता हूँ कि 16 निम्मा 144 गुना 7 हमें करना है सिर्फ। ठीक है, आप देखेंगे कि आंसर आपको मिलेगा 1008। ये आ गया जी आपका एलसीएम। और जैसे ही एलसीएम आपको मिलेगा, हमें क्या करना है, 1008 में +5 कर देना है, हमारे पास हमारा नंबर होगा 1013, और यही हमें निकालना था। ठीक है, ये हमने ऐड क्यों किया, मैंने आपको पीछे समझा दिया है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 21 तथा 35 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 6 बचे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, हमें सिर्फ क्या करना है, देखिए छोटे से छोटी संख्या यानी कि लीस्ट नंबर, और लीस्ट क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। आपको सिर्फ इतना करना है कि 12, 21 और 35 का एलसीएम निकालना है और बाद में उसमें 6 ऐड कर देना है। 6 ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि 12, 21 और 35 का जो एलसीएम आएगा वो संख्या होगी जो 12, 21 और 35 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। ठीक है, और कम्प्लीटली डिविजिबल है लेकिन हमें शेषफल 4 बचाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
अगर शेषफल चार कब बचेगा? जब संख्या कंप्लीटली डिविजिबल से छः ज़्यादा होगी, यानी कि हमें एलसीएम में 6 ऐड कर देना है। और मैं आपको बताऊं, आप ना इसके जो एलसीएम है इस तरीके से निकालना जो मैंने आपको ये तरीका सिखाया है। यकीन मानिए आप विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन कर देंगे। मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ, करना आपको खुद है। 12, 21, 35 मेरे पास नंबर है, 12, 21 और 35 हमारे पास नंबर है। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जो फैक्टर्स हैं मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, 2 नहीं 4, 3 12। इसे मैं लिख सकता हूँ 7, 3 21 और इसे लिख सकता हूँ 7, 5, 35, यानी कि 7 × 5। अब यहाँ से मुझे अपने पेयर्स लेने हैं जो एलसीएम बना देंगे। एक तो मैं ले लूँगा 7 और 5, क्योंकि 7 और 5 अपने आप में मल्टीपल है, ठीक है, मतलब प्राइम नंबर्स हैं, मल्टीपल नहीं, प्राइम नंबर्स हैं 7 और 5। अब उसके बाद आप देखिए, ये 7 है यहाँ पर कवर हो गया, 5 कहीं पर भी नहीं है, तो 5 यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 35 तो ये हो गया, ठीक है। 7 ऑलरेडी कवर हो चुका है तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 2 हमें उठाना है और 2 × 2 = 4 है यहाँ पर, देन 3 है। और अगर मैं ये 3 ले लेता हूँ तो ये वाला 3 भी कवर हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 = 4 थी, अब 12 मैं कंप्लीट ले लूँगा। ये हमें मिलेगा एलसीएम, देन इसी में हमें ऐड कर देना है क्या, +6, और यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। मैं कंप्लीट बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, खुद से कीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा, सीखिए, नई चीज़ें सीखिए, एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, ठीक है ना। कमेंट्स बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा, आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। चलिए आगे खुद से कर कीजिएगा, बाकी ये आपका आंसर ही हो जाएगा, ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन करना है। 12 × 35 मैं बता ही देता हूँ यार, 426 आई थिंक आपका आंसर आ जाएगा, एक बार पीछे मैच कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्या कहता है देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 16,997 तथा 64,892 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। चलिए देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पीछे ऊपर क्वेश्चन भी ऐसा ही था, लेकिन वहाँ पर हमें बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्या पूछी गई थी जिसमें हमने एलसीएम निकाल दिया। यहाँ पर हम एचसीएफ हमें निकालना है, लेकिन नंबर्स हमारे पास बहुत बड़े हैं, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन मैं खुद से आपको कराऊंगा और एक बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा। उससे अच्छा तरीका मैं नहीं मानता कि कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, नंबर मेरे पास है 16,997 और 64,892। मैं लिख देता हूँ 16,997, ठीक है, 997 और 64,892, जी हाँ, ठीक है, यही नंबर मेरे पास है, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इनका हमें क्या, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, उसने बोला कि लास्ट में 2 बचना चाहिए HCF निकालने के बाद, इसका मतलब HCF +2, ठीक है, हमारे जो होंगे नंबर होंगे। या मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर 2 रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब ये जो नंबर है, इन्हीं नंबर्स में से मैं अगर 2 2 माइनस कर दूँ, ठीक है, मैंने माइनस किया 2, यहाँ पर भी मैंने माइनस किया 2, अगर मैं इन 2 नंबर्स में से 2 माइनस कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा, 16,995, एंड यहाँ से क्या मिलेगा, 64,890। इसका मतलब कि 16,995 और 64,890 ये दोनों ही कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे अपने HCF से, ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अगर मैं इन नंबर्स को, यानी कि 16,997 और 64,892 को भाग दूं तो 2 शेषफल बचे। अगर मुझे 2 शेषफल नहीं बचाना है तो ये दोनों ही नंबर दो दो कम होंगे, मतलब मैं 16,997 में से 2 माइनस किया, 64,892 में से हमने 2 माइनस कर दिया, सो हमें क्या मिलेगा, 16,995 और 64,890, ये दोनों नंबर हमें मिलेंगे। अब बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दोनों ही नंबर हमें मिले हैं और हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, क्या मैं कह सकता हूँ कि इस संख्या में HCF इंटू एक्स गुना में एक्स, ये चीज़ इंक्लूड होगी, ठीक है जी, और यहाँ पर भी इस संख्या में HCF होगा कुछ, और ये संख्या हो सकता है वाई हो, क्यों ऐसा क्यों, ये HCF
यहाँ पर भी सेम होगा और यहाँ पर भी सेम होगा। मैं ये चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि ये दोनों ही वैल्यूज़ सेम होंगी, ठीक है जी। ये एक्स है, ये वाई है। इसका मतलब पता है क्या है कि 16,995 को अगर मैं HCF से डिवाइड करता हूँ तो वो एक्स पर जाएगा, ठीक है, और 64,890 को अगर मैं HCF से ही डिवाइड करता हूँ तो वो वाई पर चला जाएगा। ये एक्स और वाई कुछ भी नंबर हो सकते हैं जिन जो भी मल्टीपल होंगे, ओके। या फिर कहूँगा कि HCF गुना एक्स जो है वो मुझे 16,995 देगा, या फिर HCF गुना वाई 64,890 मुझे देगा। अब मैं आता हूँ ऑप्शंस के ऊपर। देखिएगा कितनी खूबसूरती के साथ ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि आपने देखा कि ये जो नंबर है 16,995 और 64,890, ठीक है, आपने देखा कि इसका यूनिट प्लेस 5 है, इसका यूनिट प्लेस 0 है। इसका मतलब दोनों ही नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे, एक बात हुई। सेकंड हमने देखा कि ये है जी 9, 9, 6 और 5 और 1 6, यानी कि इनकी डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली। इसका नंबर मतलब ये कम्प्लीट नंबर 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 6 और 4, 10 और 18 कम्प्लीट डिविजिबल है, 9 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 से। इसका मतलब कम्प्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। दोनों ही नंबर 5 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब जो हमारा HCF होगा वो भी ऐसा ही कोई नंबर होगा जो 5 से और 3 से दोनों से ही कम्प्लीटली डिविजिबल हो। अब हम आते हैं जी अपने ऑप्शन के ऊपर। जैसे ही हमने ऑप्शन देखे हमें पता चला कि ये इसके यूनिट 333 यानी 333 है, इसके यूनिट प्लेस पर ना ही 0 है ना ही 5 है, कट जाएगा, नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट है 433, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 3 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, 1525, ये हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि 5 से डिविजिबल है, यूनिट प्लेस पर 5 है, लेकिन क्या ये 3 से भी डिविजिबल है, देख लेते हैं। 5 और 5, 10 और 3, 2 और 1, 3, 13, यानी कि 13 तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 3 से, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। बचा ऑप्शन नंबर 4 और यही आपका आंसर होगा। आप देख सकते हैं यूनिट प्लेस पर 5 है, 1545 है, यूनिट प्लेस पर 5 है और इसका डिजिट्स का सम देखिए 5 और 4, 9, 5 और 1, 6, यानी कि टोटल क्या बन रहा है 15, और 15 कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 से, 3 5 15 होता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1545 एक ऐसा नंबर है जो 5 और 3 दोनों से ही कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा 1545। दोस्तों देखिए जो चीज़ मैंने आपको बताई ना ये फैक्ट्स कि 5 से देखना है, 3 से देखना है, आपको यूनिट प्लेस देखेंगे, अगर आपको ये कंसेप्ट पता हो ना तो आप मतलब 15 सेकंड बस मैक्सिमम, क्योंकि आप दोनों नंबर माइनस करेंगे, आप इतना ही कह सकते हो कि दो नंबर आपने भैया पहले माइनस किए, फिर यूनिट प्लेस देखा, फिर डिजिट का सम किया, फिर आपने ऑप्शन चेक किए, मुश्किल इतने ही 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम इतना ही टाइम लगेगा आपको को सोल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं जल्दी से क्या कहता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ऑप्शंस में से ये बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या है गिवन ऑप्शन में जो 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, और गिवन ऑप्शंस में से वो संख्या सबसे बड़ी होनी चाहिए। अब देखिए 3 का रूल आपको पता है डिविजिबिलिटी का, 4 का पता है, 5 का पता है, 3 का क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स, नंबर का सम ऑफ डिजिट्स 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, तो संख्या 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। 4 का क्या है कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो कम्प्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए 4 से, और 5 का क्या है कि 0 और 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पर, ठीक है, 0 हो या 5 हो। पहले ऑप्शन देखते हैं 920, 5 से डिविजिबल है क्योंकि 0 है, 20 है लास्ट में तो इसका मतलब 4 से भी डिविजिबल है, लेकिन क्या 3 से भी डिविजिबल है? 9 और 2, 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 980, 80 है, 5 से भी होगा, 4 से भी होगा, क्या 3 से भी होगा? 9 और 8, 17 होते हैं, 17 डिविजिबल नहीं है 3 से, ये भी नहीं होगा। 9 और 9, 18, ठीक है, और 6, ये देखो 3 से भी है लेकिन 5 से नहीं है,
पाँच से क्यों नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर छः है, पाँच या जीरो होना जरूरी है। एक ही ऑप्शन रह गया, ऑप्शन नंबर चार, यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए, यूनिट प्लेस पर जीरो है, साठ है, 15 चौके 60 होता है, और तीन है, 9 और 6, 9 भी और 3, मतलब 15 है टोटल सम, और 15 तीन से डिविजिबल है, इसका नंबर मतलब कंप्लीट नंबर भी तीन से डिविजिबल होगा। आंसर होगा 960। मुंह जबानी करने हैं ये क्वेश्चन आपको, और ये तो मैं आपको सारे ऑप्शन ट्राई करके बता रहा हूँ। जब आप पेपर करने बैठेंगे तो आप सभी ऑप्शन ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी आंखें वहाँ पर काम करेंगी। यहाँ पर तो मुझे अब बताना है, आपको एक्सप्लेन करना है, इसीलिए सारे ऑप्शन ट्राई करके बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सात देखिए, तीन अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पर हमें क्या करना था, सबसे बड़ी संख्या बतानी थी, सेवन्थ में हमें करना है सबसे छोटी संख्या बतानी है। तरीका वही रहेगा, डायरेक्ट ऑप्शन से जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे 3, 4, 5, डायरेक्ट आप आंसर लगाएंगे 120, आंसर 120 ही होगा। 5 से भी है डिविजिबल, क्योंकि यूनिट प्लेस पर जीरो है, 4 से भी है क्योंकि 20 है, और आपको पता है कि ये डायरेक्ट जो 30 का मल्टीपल है, 30 × 4 जो होता है 120 होता है। 3 से भी डिवाइडेड है, क्यों, क्योंकि 12 है, 3 चौक 12, 40 पर चला जाएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा, आंसर होगा 120। सो मैं लिख देता हूँ पहले ही कि क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, गो थ्रू दी ऑप्शंस, यही काम आपको एग्जाम में भी करना है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेष एक बचे तथा 7 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक ऐसा नंबर देखना है ऑप्शंस में से जिसे अगर मैं 2, 3, 4, 5 तथा 6 से भाग देता हूँ तो शेषफल एक देता है, लेकिन उसी नंबर को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ सो मुझे शेषफल कुछ भी नहीं बचता, यानी कि रिमाइंडर 0 मेरा बचता है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ दोस्तों, कि देखिए ऑप्शन में हमें वो वैल्यू गिवन है जो हमें शेषफल एक देकर जाएगी अगर मैं 2, 3, 4, 5 और 6 से उसे डिवाइड करूँगा तो। इसका मतलब अगर मैं गिवन ऑप्शंस में से एक एक माइनस कर दूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं गिवन ऑप्शंस में से एक एक माइनस कर दूं तो मुझे वो नंबर मिलेगा जो 2, 3, 4, 5, 6 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि हमने जो एक शेषफल बच रहा था वो पहले ही माइनस कर दिया है ऑप्शंस में से। अगर मैं ऑप्शन में से एक एक माइनस कर देता हूं तो वो नंबर हमें मिलेगा जो 2, 3, 4, 5 और 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कैसे, देखिएगा, ऑप्शन में मेरे पास है 288, 301, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बड़े क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मैं ऑप्शन डायरेक्ट लिखता हूं कि भैया 288 हैं, 301 हैं, 324 हैं और 336 हैं। ये वो नंबर हैं दोस्तों जो हमें रिमाइंडर 1 देकर जाएंगे, ठीक है ना, मतलब डजंट मैटर कि सभी होंगे, लेकिन इनमें से कोई भी एक हमारा आंसर होगा ना। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि सब में से माइनस एक कर देता हूँ, ये कर दिया जी माइनस एक, क्या मिलेगा 287, ये हमें देगा 300, यहाँ से हमें मिलेगा 323 और यहाँ से हमें मिलेगा 335, ठीक है। अब देखिए हम क्या कमाल करते हैं, अब हमें कौन कौन से नंबर है, 2, 3, 4, 5 और 6, हमें हमारे पास डिविजिबिलिटी हमें किससे चेक करनी है, 2, 3, 4, 5 और 6, इनसे हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो देखिए 5 है, हम पहले सबसे इजी यही होता है, इसी को उठा लेते हैं, 287 यूनिट प्लेस पर 7 है, 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, सो ये ऑप्शन ही कट गया। 0 है, ये हो सकता है, यहाँ पर 3 है, ये भी नहीं हो सकता, 335 है, ये हो सकता है, देखिए हो सकता है क्योंकि 5 से डिविजिबल है, बट क्या औरों से भी है, देख लेते हैं, 3 से है क्या, 3 और 3 6, लेकिन 5 है आगे, ठीक है, 6 और 5 कितने हो गए, 11, और 11 कम्प्लीट डिविजिबल नहीं है 3 से, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें सभी से डिविजिबल बनाना है, ये ध्यान रखिएगा ना, 2, 3, 4, 5 और 6 सभी से डिविजिबल होना चाहिए। अब हमारे पास सिर्फ 300 बचा है, इसे चेक कर लेते हैं, 0 है यूनिट प्लेस पर, 2 से डिवाइड हो गया जी, 3 है, 3 है सिर्फ,
कंप्लीटली जीरो हो गया जी। लास्ट में दो जीरो हैं, चार से भी डिवाइड हो गया जी। पाँच यूनिट प्लेस पर जीरो है, ये हो गया जी पाँच से भी डिविजिबल। छः है, छः पंजे तीस और जीरो एज इट इज़, सो छः से भी डिविजिबल है। इसका मतलब 300 एक ऐसा नंबर है जो दो तीन चार पाँच और छः सभी से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर मेरा 301 है ना, यानी कि ये जो ओरिजिनल नंबर 301 है, ये हमें रिमाइंडर देगा एक, जो कि ऑप्शन में बोला गया है। और 301 ही एक ऐसा नंबर होगा जो सात से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर हमें जीरो होगा। काट कर देख लीजिए, सात से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, सात चौक 28 और सात या 21, 43 पे ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर भी हमें क्या जीरो मिलेगा, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। आंसर क्या होगा, 301। कुछ इसी तरीके से आपको जल्दी जल्दी फटाफट ये चीज़ें करनी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तीन व्यक्ति ए बी सी 12 किलोमीटर के वृत्ताकार मैदान में दौड़ लगाते हैं। वे एक ही स्थान से क्रमशः 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर तथा 13 किलोमीटर की चाल से दौड़ शुरू करते हैं। कितने समय पश्चात, ध्यान दीजिएगा, कितने समय यानी कि हमें टाइम निकालना है, कितने समय पश्चात वे प्रारंभिक बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे। हमें डिस्टेंस गिवन है, सभी 12-12 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तीनों की स्पीड अलग अलग है, 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। समय हमें निकालना है, किस तरीके से अप्लाई करेंगे देखिएगा। हमारे पास डिस्टेंस है जी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, ये ए बी सी है। ए बी 12 दौड़ता है, बी भी 12 दौड़ता है और सी भी 12 दौड़ता है, ठीक है। अब हमें क्योंकि टाइम निकालना है, वो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस तो हमें पता है 12 12 12 है, स्पीड भी दी हुई है, एक 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब दोस्तों ये तीनों किस टाइम पर मिलते हैं, उसके लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। सो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि मैंने आपको सिखाया भी था, ठीक है, जब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कराया। वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर बोले तो अंश, डिनोमिनेटर बोले तो हर, ओके। हर का एलसीएम ऑफ अंश, एचसीएफ ऑफ हर। एलसीएम को क्या बोलते हैं, लघुतम सापवर्त्य, और एचसीएफ को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्त्य, ठीक है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है ये चीज़ें। चलिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये चीज़ निकाल देनी है और आंसर हमारे सामने होगा। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा, आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में क्या है, 12 12 12, एलसीएम भी कितना हो गया 12। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, हर का महत्तम समापवर्त्य, 3 7 13, तीनों ही नंबर जो हैं वो तीनों प्राइम नंबर हैं, 3 7 13 तीनों तीनों प्राइम नंबर है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। आंसर क्या आ गया, 12, ठीक है। अब ये आवर्स में होगा, जी हाँ बिल्कुल, 12 आवर्स यानी कि 12 घंटे बाद ये तीनों एक साथ मिलेंगे और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ए सेक्शन में जो हमने कराया था उसमें मोमबत्ती वगैरह वाले क्वेश्चन भी थे, लाइट वगैरह वाले, जो लैंप के होते हैं, रेड लाइट का होता है, बेल का होता है कि कितनी देर बाद बजे, उसमें भी हमें एलसीएम ही निकालना होता है। सो ये क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मूला बेस, उसी कंसेप्ट के बेस का है, ठीक है। सॉल्यूशन आपके सामने है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और 10 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। सो मैं एक बार बोल देना चाहूँगा कि अगर कोई भी न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, अपनी एक ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिले ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियोस को, कमेंट्स में अपने आंसर जरूर दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा जो भी नीडी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो भी एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। आपको पता है कि स्पेशल एजुकेटर के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, 22 जुलाई को पेपर होना है, ठीक है, और उसके बाद आपका पीआरटी का भी होना है, देन टीजीटी का भी होना है, उसके हर किसी के सेक्शन में ये चीज़ें आने वाली हैं, मैथमेटिक्स तो आना ही है, ठीक है। सो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका महत्तम संपूर्णांक 5 हो तो उनका लघुत्तम संपूर्णांक क्या होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर मैं देखिए संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, मैं कहता हूँ N1 एक संख्या है, N2 संख्या है, उनका अनुपात 3:4 है। सो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये संख्या अपने आप में 3x और 4x होंगी। ठीक है जी, ये देखिए मैंने यही लिखा है, बस संख्या 3x और 4x होंगी। और जो पार्ट एक संख्या में कॉमन होता है, आप देख रहे होंगे कि x यहाँ पर दोनों संख्या में कॉमन है, और एक नंबर के अंदर जो चीज़ कॉमन होती है, मैंने ये नंबर लिख दिया, मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए कि कॉमन मल्टीपल ऑफ आ नंबर इज इक्वल टू HCF। एक जो HCF होता है ना, वही एक नंबर के अंदर कॉमन होता है। जैसे कि मैं कहूँ 10 और 12 हैं, ठीक है, 2 6 12 और 2 5 10, दो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 2 HCF हो गया। मानते हैं इस बात को। इसी तरीके से 3x और 4x, 3 अपने आप में एक नंबर है, 4 अपने आप में एक नंबर है, और x दोनों के अंदर कॉमन है, इसका मतलब जो x है वही मेरा HCF है, और HCF अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 5। इसका मतलब हमारे नंबर क्या हो गए, N1 बराबर हो गया 3 5 15, एंड N2 बराबर हो गया 5 5 20, ऐसा ही कुछ ना। सॉरी, ये क्या क्या नंबर है एक बार मैं देख लेता हूँ। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और हमें इसका LCM फाइनली बताना है। LCM क्या होगा, 15 और 20 का LCM की बात करूँ तो 15 चौके 60 और 20 3 60, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका LCM 60 होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये मैंने लिखा है सिर्फ कि LCM इसका बराबर 60 होगा। और ये आपने किस तरीके से निकाल लेते, कि पहले तो मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ कि ये इसका आंसर होगा, आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए, 5 3 15 होता है, 5 × 3 15 होता है, दोनों ही प्राइम फैक्टर हैं। 20 को आप लिख सकते हैं क्या, जैसे 4 5 20 होता है, तो आप लिख सकते हैं 2 2 4 और 5 20। ठीक है, मैंने आपको तरीका वही बताया है कि 5 और 3 तो पहले आप लिख लीजिए डायरेक्ट 15। क्यों, क्योंकि 5 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, और 5 यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, 3 यहाँ पर नहीं है, तो पहले तो मुझे यही चीज़ कंप्लीट लेनी पड़ेगी, 5 मुझे दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 अगर दोबारा नहीं ले रहा तो बाकी बचे 2, 2 के कितना एक पेयर है, मानी 2 2 4 है, तो मैं 15 चौके 60 कर दूंगा, और ये मेरा क्या आ जाएगा, LCM। ठीक है, यहाँ पर जो मैं चीज़ लेता हूँ ना, ये चीज़ वो लेता हूँ कि एक एक बार आए, जैसे 5 यहाँ पर एक बार आ गया, यहाँ पर से उठाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, 3 ऑलरेडी यहाँ पर एक बार आ चुका है, सो 3 कहीं पर और नहीं है, अगर कहीं पर एक बार होता तो नहीं लेने की ज़रूरत पड़ती, अगर 2 बार होता तो मुझे इंक्लूड करना होता। ठीक है, यहाँ पर 2 2 4 है, तो मुझे कंप्लीट 4 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरा 2 एक बार भी कवर नहीं हुआ है। ठीक है, सो 15 × 4 60 इसका LCM आ गया, और ये तो बहुत बेसिक है, बहुत नॉर्मल है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सारा सब कुछ, जो भी मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया, और HCF और LCM का मैंने बेहतरीन तरीके आपको बताए हैं। याद रखिएगा, इनसे इजीएस्ट वे आपको LCM और HCF निकालने का कोई भी नहीं मिल सकता है, ट्रस्ट मी, जब आप पेपर करने लगेंगे आपको इन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। एक बार मॉक टेस्ट लगा के देखिएगा, आपको खुद से ये चीज़ फील होगी। ठीक है ना, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और होपफुली नेक्स्ट वीडियो आपके लिए टाइम एंड वर्क में लेकर आऊँ, और एवरेज का जो बी पार्ट है वो भी साथ साथ करा दूंगा, लेकिन उससे पहले चाहूँगा कि एक वीडियो आपको टाइम एंड वर्क के दे दूँ, एक दूसरा चैप्टर शुरू हो जाए, तब तक एवरेज का जो मैंने ए सेक्शन आपको दिया है उसके ही क्वेश्चन कीजिएगा, और सिमिलर क्वेश्चन सेक्शन बी में भी है, वहीं से उन्हें भी ट्राई कीजिएगा, कुछ से अलग मिलता है। सो आप डाउट पूछ सकते हैं, बाकी मैं वो चीज़ प्रोवाइड जरूर कराऊंगा आपको, ओके, कंप्लीट सॉल्यूशन जैसे मैंने ए सेक्शन का कराया है। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड ट्राई टू बी वट एवर यू वॉन्ट टू बी, माई लवली फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते जरूर रहिएगा, ठीक है ना, बाय बाय, टेक केयर।